लाइटिंग इन इंटीरियर डिजाइन, कैसे हम लाइटिंग को यूज करते हुए अपने घर को बड़ा और सुंदर और लग्जरी एलिगेंट लुक बना सकते हैं। देखिए, लाइटिंग हमारे घर को एम्बियंस चेंज कर देती है। इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर जान पाएंगे, हम घर भी समझ लेंगे, साथ साथ हम लाइटिंग भी समझेंगे कैसे कर सकते हैं। अब चलेंगे इसके मेन डोर की तरफ, वहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारे घर का मेन डोर है और लाइटिंग का या इलेक्ट्रॉनिक चीजें क्या चल रही हैं आजकल, क्या है कि हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर चल रहे हैं, आप इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं लाइटिंग फैक्ट्स। घर के अंदर एंटर करें ना, तो हमारे घर के अंदर एक लाइटिंग का फैक्ट ग्रीट करना चाहिए कि लग्जरी लुक, बंदे की नजर ना लाइटिंग पे पड़ जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमने साइड में वाइट लाइटिंग का वर्क किया, सारी की सारी साइड लाइट हमने वाइट किया है जिससे वो ग्लो कर रही है हमारे वॉल्स को। उसके साथ बीच में एक स्टैंड अलोन शैंडलियर लगा दीजिए आपके ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया के अंदर, जहाँ पे आपके घर को वो अलग ही लुक दे देगा, डिमेंशनल थ्री डिमेंशनल वर्क दे देगा। 14x16 का एरिया है लेकिन वो ग्लो ऐसे कर रहा है कि भैया किसी हम महल के अंदर आ गए हैं, तो लाइटिंग का नज़ारा है ये और लाइटिंग के इफेक्ट्स को हम आज समझ रहे हैं। LED टीवी यूनिट पे भी आप लाइटिंग का इफेक्ट्स कर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करी, छोटी छोटी लाइटें आते हैं, 200-300 रुपये की लाइटें आएंगी, आप इफेक्ट को नज़र कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आप टीवी देख रहे हैं उसको ना यूज़ कीजिए, मतलब ये पॉइंटर्स को बंद कर दीजिए और यहाँ पर आपका LED टीवी यूनिट आ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर भी पॉइंटर्स जैसे हमने लगाए हैं जहाँ पर आपके क्रॉकरी एरियाज हैं, लाइटिंग का इफेक्ट नज़ारा। जब आपने टीवी करना है तो इसको बंद कर दिए लाइट को, तो आपके ग्लेयर नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आप कुछ लैंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, जहाँ पे ये छोटे छोटे लैंप्स हैं, उसे लैंप्स पे आपका घर नज़ारेदार मज़ा आता है। ठीक है, 14x16 का हमारा ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया लुक में ऐसा लग रहा है कि एक लग्जरी लुक में। उसके बाद चलेंगे एक इसकी किचन की तरफ। अब किचन में भी हमने इसको पार्टीशन के साथ, ओपननेस के साथ, क्लोजनेस का काम और लाइटिंग का इफेक्ट, क्योंकि छोटी छोटी लाइटर्स हैं, उसको क्या ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। घर को ना हमने इफेक्ट देना है तो इस लाइटिंग से पड़ रहा है। यहाँ पर भी हमारे पॉइंटर्स के बीच में भी अच्छी लाइटिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। उसके साथ आ जाती है हमारी किचन। अब किचन में हमें वाइट लाइटिंग का वर्क करना है, तो हमने प्रॉपर वाइट लाइटिंग का वर्क किया है, शैंडलियर डिज़ाइन किया है। अब करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो ये ज़रूरत नहीं है, आपके पॉइंटर्स वहाँ पर आ गए तो अच्छी लुक दे रहा है। यहाँ पर भी आप वाइट लाइटिंग का इस्तेमाल करिए, आपके स्लैब को पता लगना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर दिया, जो लुक में हमारी कैबिनेट्स को ग्रीट कर रहे हैं, अच्छा लुक आ रहा है, देखिए बढ़िया लुक। और यहाँ पर भी आप लाइटिंग का, जैसे प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी किचन के अंदर, जो लाइट आप जैसे यहाँ पे वाइट लाइटिंग का करते हो तो यहाँ पे वाइट लाइट का इस्तेमाल कीजिए, पॉइंटर्स में लुक में अच्छी लगती है। आपको प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क करेंगे तो बेटर नज़र आती है। यहाँ पर भी हमने पॉइंटर्स का यूज़ किया है, देखिए लाइटिंग का इफेक्ट नज़र आता है, मज़ा आता है, दिख रहा है आपको। ज़बरदस्त हमारी किचन थी 14x6 की। इसके साथ चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर, देखिए फर्स्ट बेडरूम में चलेंगे। फर्स्ट बेडरूम 10x12 का कमरा, लेकिन लुक में लग्जरी दे रहा है, क्यों? लाइटिंग का इफेक्ट, लाइटिंग के बारे में जान रहे हैं हम। यहाँ पर हमने दोनों साइड में आपके बैकड्रॉप वॉल में हमने यूरोपियन स्टाइल का वर्क कर दिया, जिसमें हमने एरियाज को काट के बीच में हमने वॉलपेपर का इस्तेमाल किया, साइड में हमने उसको, यहाँ पर भी वॉलपेपर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे डार्क कलर यहाँ पे लाइट कलर का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे लैम्प्स का इस्तेमाल किया। ज़बरदस्त लाइटिंग का नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। स्टैंड अलोन शैंडलियर, आप यहाँ पर आपका फ़ैन लगता है लेकिन यहाँ पे शैंडल लगाया कि लुक में आपको नज़र आए। यहाँ पर भी हमने वार्डरोब्स बनाए जो कि स्लाइडिंग डोर्स के साथ अब अंदर भी प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये आपके LED टीवी यूनिट्स हैं जो कि ओवरहेड तक बना दिए गए हैं, ओवर स्पेस का यूसेज। यहाँ पर भी हमने लाइटिंग का इफेक्ट, उधर भी लाइट्स, वाइट लाइटिंग का इफेक्ट। लोग मुझसे बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, सर कौन सी लाइट लगाएं हम अपने बेडरूम में? हमारे बेडरूम में ना वाइट लाइटिंग का काम होना चाहिए, कोई और लाइट मत लगाएं। लगानी है तो 4K लाइटिंग लगा सकते हैं, कोई आपके घर में कोई मतलब गेस्ट आ रहा है तो आप उसको 4K लाइटिंग का, लेकिन वाइट लाइट आपको पीस देगी और आपने पढ़ना लिखना है सब कुछ करना है तो आप 4K लाइटिंग अपने बेडरूम को ना यूज़ करें। आपने कुछ पॉइंटर्स यूज़ करने हैं उसको 4K लाइटिंग में कर सकते हैं। 4K मतलब वार्म लाइट होती है,
उसको बोलते हैं, तो उस तरीके की डिजाइनिंग होनी चाहिए और घर के अंदर ल्यूमेंस अच्छे होने चाहिए। लाइटिंग में ल्यूमेंस में काउंट होती है, तो ल्यूमेंस अच्छे होंगे तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने जो लाइटिंग कर रखी है वाइट कलर की, और क्या है कि देखिए कि आपके लाइट यूज करने के बाद, जैसे आपने 2 इंची के लेना है, 3 इंची का लेना है, 6 इंची का लेना है, तो वो अलग अलग लाइटिंग आती है, तो कॉब लाइट का यूज कीजिए। और क्या आपके ना लाइटिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना हो तो वो खराब ना नजर आए। इसके बाद चलेंगे इसके वॉशरूम की तरफ। अब ये गुड मॉर्निंग वाला वॉशरूम है, एक छोटा सा वॉशरूम 4x4 का, लेकिन ग्लो ऐसे कर रहा है कि बहुत बड़ा। लाइटिंग का इफेक्ट, 4 लाइटें बड़ी बड़ी लगी हैं, कॉब लाइट लुक में अच्छी नजर आ रही हैं। लाइटिंग का इफेक्ट, यहाँ पे हमारे शॉवर्स लगे हुए, देखिए अच्छे लुक में ब्रांडेड फिटिंग्स, 4x4 का वॉशरूम और लुक में लाइटिंग से वो ग्लो कर गया। छोटी सी चीज बड़ा धमाका लग रहा है आपको लाइटिंग के इफेक्ट से, तो जबरदस्त चीजों के साथ अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम के अंदर देखिए, सेकंड बेडरूम भी उतना ही स्पेशियस है 10x12 का, लेकिन लुक में अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइटिंग का इफेक्ट, व्हाइट लाइटिंग लगाई है सारी की जगह। बीच में हमने शैंडलियर लगा दिया, लेकिन वैसे लुक में ऐसे दिया गया है कि यहाँ पे फैन ही लगेगा आपका। यहाँ पे आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लैंप्स लगा दिए गए हैं। आजकल बहुत एरियाज के लैंप्स आ रहे हैं, बहुत टाइप्स के लैंप्स आ रहे हैं, तो उस तरीके का लैंप्स का काम कीजिए कि आप रात को सो रहे हैं तब इसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हमने एक बीच में एरियाज हैं जहाँ पे अपनी प्रोफाइल कार्ड के नीच बना दिया जाते हैं ना, उसके अंदर हमने 4K लाइटिंग का वर्क किया है, वो आप कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका नज़ारा अलग ही रहता है, तो उस तरीके का इफेक्ट देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी हमने 4K लाइटिंग का वर्क है। देखिए मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगता है, जब भी आपने LED TV डिज़ाइन करना है तो कलर बैक एंड पे प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क कीजिए। यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपको ग्लेयर नहीं पड़ेगा आंखों में। अब ये पॉइंटर्स आपको ग्लेयर पाएंगे आंखों में, तो लाइटिंग इतनी भी ज़्यादा ना कर दीजिए कि आपकी आंखों को चुभे, ग्लेयर पड़े, ऐसा नहीं कीजिए। यहाँ पे ये जो लाइटिंग है आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बंद कीजिए, तो इस तरीके का लाइटिंग का इफेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ये अटैच वॉशरूम, यहाँ पर भी हमने वाइट लाइटिंग का वर्क किया जिससे वो ग्लो कर रहा है, बढ़िया ज़बरदस्त लाइटिंग डिज़ाइन। तो हमने आज समझा 2BHK का फ्लैट हमने देख भी लिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पर लाइटिंग का इफेक्ट समझा, लाइटिंग से आपका घर कैसे चमक सकता है, डाउन हो सकता है, आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। तो अमेजिंग इंटीरियर डिज़ाइन के साथ अगर जो आपने घर खरीदना है, विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। लाइटिंग इफेक्ट्स आपने समझे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।